एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से एक साड़ी को ट्रेंड में चलता हुआ देख रही हूँ। मैंने कुछ एक्ट्रेसेस, मॉडल्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को सोशल मीडिया पे उस तरह की साड़ी पहने हुए देखा है। आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने तो परचेज करी ली होगी उस तरह की साड़ी। काफी अच्छी ट्रेंडी साड़ी है वो, और कुछ लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता भी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सी साड़ी की बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ प्लीटेड फैब्रिक की साड़ी की। तो आप यहाँ पर पिक्स में देखिए, तो इस तरह की साड़ी काफी स्टाइलिश लगती है, काफी मॉडर्न ट्रेंडी साड़ी है ये। और प्लीटेड फैब्रिक होने की वजह से ये साड़ी थोड़ा सा एक अलग लुक भी देती है। मैंने शायद दीपिका पादुकोण को देखा था इस तरह की साड़ी में, और जो दीपिका पादुकोण ने साड़ी पहनी है वो ऑनलाइन भी बहुत जगह पे मिल जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह की साड़ी को खुद से डिजाइन किया जाए, मतलब एग्जैक्टली दीपिका पादुकोण वाली साड़ी नहीं, बट प्लीटेड फैब्रिक की साड़ी खुद डिजाइन करें। और काफी सिंपल है ये साड़ी डिजाइन करना, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आप इस साड़ी को किस तरह से बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, और मैं दो तरह से स्टाइलिंग भी करके दिखाने वाली हूँ, एंड साथ में कुछ मैं इंपॉर्टेंट स्टाइल टिप्स भी शेयर करूंगी। अब मेरे चैनल पर ये तो मस्ट है कि आप मेरे चैनल पर आए और कुछ सीख के ना जाए, तो स्टाइल टिप्स तो बनते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है फैब्रिक सिलेक्शन, और इस साड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये प्लीटेड फैब्रिक, क्योंकि पूरी साड़ी का लुक इसी प्लीटेड फैब्रिक से आ रहा है। ये है प्लीटेड फैब्रिक जिसे मैंने डिजाइन कार्ट वेबसाइट से परचेज किया है। इस क्वालिटी का नाम है सैटिन पॉलिएस्टर प्लीटेड फैब्रिक। काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी, इसमें फाइन प्लीट्स बनी हुई है और सॉफ्ट भी है ये फैब्रिक। अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो बहुत लोगों ने पूरी प्लीटेड फैब्रिक की साड़ी बना रखी है। अब आप ऐसा कर तो सकते हैं, मतलब आप पूरी प्लीटेड फैब्रिक की साड़ी बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो काफी बल्की हो जाएगा। मतलब जब आप फ्रंट प्लीट्स लेंगे साड़ी में तो वो टमी पर बहुत ज्यादा बल्क ऐड करेगा, क्योंकि ये फैब्रिक पतला फ्लोई स्टाइल का फैब्रिक नहीं है, थोड़ा सा थिक और स्ट्रेची फैब्रिक है। अब आप एकदम सूखे कांटे की तरह हो, सॉरी मैं मजाक कर रही थी, मेरा मतलब है कि अगर आप दुबले पतले हैं तो आप पूरे प्लीटेड फैब्रिक की साड़ी बना सकते हैं, और थोड़ा सा बल्क ऐड होगा टमी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप मेरी तरह है, थोड़ा सा हट्टे खट्टे खाते पीते खानदान के, मतलब मैं ना कोई दुबली पतली नहीं हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको गलत फहमी है, ठीक है ना। मैं भी अच्छी खासी हेल्थ है मेरी, मुझे खाना पीना बहुत पसंद है, और उसके बाद भले ही मैं थोड़ा सा कसरत कर लूं, थोड़ा सा मशक्कत कर लूं दुबला होने के लिए, पर यार खाना पीना नहीं अवॉइड हो सकता है। यार खाना पीना नहीं मतलब बोलना चाहिए छोड़ने के लिए, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप मेरी तरह हैं, मतलब जिनकी हेल्थ अच्छी है, तो फ्रंट प्लीट्स अगर हम इस प्लीटेड फैब्रिक के बनाएंगे तो टमी पर बल्क ऐड हो जाएगा, और हो सकता है फिर वो दिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है तब तो कोई बात नहीं, आप बनवाइए। क्या है ना कि सोशल मीडिया पे है ना बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है, मतलब कब कोई आपकी क्लास ले लेना, तो मतलब मुझे तो बहुत डर लगता है। देखो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने हेल्दी फीमेल से रिलेटेड स्टाइल टिप्स दिए थे। अब देखो मेरा इंटेंशन तो होता है सबकी हेल्प करने का, तो मैंने बहुत अच्छे से स्टाइल टिप्स दिए थे इंडियन वेयर कुर्ती से रिलेटेड, कि आप किस तरह की नेकलाइंस पहने या स्लीव्स पहने। तो अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा जिन्हें एक्चुअली जरूरत है। देर आर फीमेल्स जो कॉन्शियस होती हैं या कंफ्यूज होती हैं, तो उन्हें थोड़ी गाइडेंस की जरूरत होती है। तो यार अब उन लोगों के लिए तो देखो वो वीडियो हेल्पफुल होता है, पर क्या है ना कुछ लोग बिना सोचे समझे बस उन्हें कुछ भी बोलना है, जिन्हें हम वो ट्रोलिंग बोलते हैं ना, तो वो ट्रोलिंग चालू कर देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं वीडियो से या क्या बोला है, कोई मतलब नहीं है, एंड देन वो स्टार्ट हो जाते हैं कि आप कौन होते हैं बोलने वाले, आप स्टाइलिंग सिखाएंगे, और क्या बोला था, हाँ लव योर सेल्फ, सब पहनना चाहिए। अरे यार मैं कब बोल रही हूँ मत पहनो, सब पहनो, लेकिन क्या होता है कि मतलब अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग पहनो। आप क्या चाहते हैं अल्टीमेटली, मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं ना कि आप अल्टीमेटली एंड में अच्छे लगे, तो बस उसी के लिए मैंने हेल्प करना चाहा। पर लोग तो क्या होता है ना कि बस मौका चाहिए और उनको क्लास लेना है, बस किसी की भी क्लास लेना है। यार झंडा लेके लोग चालू हो गए, मतलब तो चलिए पॉइंट पर वापस आते हैं। तो अगर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके टमी पर बल्क ऐड हो रहा है, तब तो आप ये पूरे प्लीटेड फैब्रिक की साड़ी बना सकते हो। पर अगर आपको फर्क पड़ता है,
तब आप के लिए एक सोल्यूशन है, आप इसे हाफ एन हाफ स्टाइल में बना सकते हो। मतलब आप जो स्कर्ट वाला पोर्शन होता है साड़ी का, उसके लिए कोई सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक ले सकते हो, उससे प्लीट्स अच्छे से बन जाएगी और टमी पर बल्क भी ऐड नहीं होगा। और जो पल्लू वाला पोर्शन है उसके लिए आप ये प्लीटेड वाला फैब्रिक ले सकते हो। तो मैंने स्कर्ट वाले पोर्शन के लिए प्लेन क्रेप सैटन फैब्रिक लिया है और वो मैंने 3 मीटर लिया है, और जो प्लीटेड फैब्रिक है उसे मैंने 2.5 मीटर लिया है। फैब्रिक सिलेक्शन करते वक्त एक बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप जब स्कर्ट वाले पोर्शन के लिए फैब्रिक लें तो आप उसको प्लीटेड फैब्रिक के अकॉर्डिंग लें। यहाँ पे जो प्लीटेड फैब्रिक है वो थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा थिक फैब्रिक है, तो अगर आपने कोई सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक ले लिया जैसे जॉर्जेट या शिफॉन, तो वो हो सकता है कि प्लीटेड फैब्रिक की भार की वजह से वो झूले, शिफॉन फैब्रिक या जॉर्जेट फैब्रिक थोड़ा झूले, ठीक से ड्रेपिंग ना हो साड़ी की। तो आपको क्या करना है, उसकी जगह पे थोड़ा सा हैवी फैब्रिक लेना है, जैसे आप क्रेप फैब्रिक ले सकते हैं, वो सॉफ्ट है लेकिन उसमें थोड़ा सा वजन है, और आप सैटिन क्रेप ले सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको दिखाया जो मैंने लिया है, या फिर आप इवन सैटिन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई इस तरह का फैब्रिक ले जो सॉफ्ट भी हो और उसमें थोड़ा सा भार वजन हो, जो प्लीटेड फैब्रिक के वजन को झेल पाए। नेक्स्ट हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। बहुत सिंपल है, आप लोगों को इस तरह से फैब्रिक को कनेक्ट करना है, ठीक है? तो इस तरह से इस पे सिलाई करके और इस साड़ी को बनाना है, दोनों फैब्रिक्स को कनेक्ट करना है, ठीक है? ये जोड़ लगा लिया हमने, तो ये स्टिच करना, और अंदर की तरफ से आप थोड़ी सी अच्छे से स्टिचिंग करवाइए, टेलर से बोलिए कि थोड़ा फिनिशिंग करके करे, तो ये अच्छे से हो जाएगी। वैसे ये पार्ट दिखेगा नहीं क्योंकि ये अंदर की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है बनवाते वक्त, कि इस फैब्रिक में एक तरफ ये मैट फिनिश है और दूसरी तरफ ये थोड़ी शाइन है। सेम प्लीटेड फैब्रिक में भी है कि ये अंदर की तरफ ये मैट है और ऊपर की तरफ यहाँ शाइन है। तो आपको ये चीज का खास ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह से ये स्टिच करवाएं तो ये आप ध्यान रखें कि ये मैट वाली साइड पे अंदर की तरफ ये स्टिच लाइन आए, ना कि उल्टा, नहीं तो फिर आपको मैट वाली साइड से साड़ी पहननी पड़ेगी और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ये चीज का बहुत ध्यान देना है। और दूसरी बात कि आप जब ये प्लीटेड वाला फैब्रिक अटैच करें, मतलब ये आपका पल्लू है, तो आप इस जब पल्लू को अटैच करें तो वो आपको एक तो शाइन फ्रंट में होना चाहिए, और उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पल्लू अटैच करना है, क्योंकि जब आप ये पहनेंगे साड़ी को तो आप ऐसे पहनेंगे और उसके बाद ये जो पल्लू होगा तो वो आपका तो बहुत डिफिकल्ट है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, आपको समझ में वैसे आ ही गया होगा, बट स्टिल आई विल ट्राई। तो ये हमारा साड़ी ऐसे आई और ये हमारा पल्लू आया, ठीक है ना? बस हो गया, ठीक है? तो ये हमारा पल्लू आया, ठीक है? तो ये ऐसे घूम के आएगा, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना है, एक तो ये शाइन फ्रंट में हो और ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको अटैच करना है, तब आप इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि आपको ये लेफ्ट हैंड वाले शोल्डर पे लेना है, ठीक है? तो दोनों फैब्रिक्स को आपको इस तरह से कनेक्ट करना है। तो ये आपने कनेक्ट कर लिया, और उसके बाद आपको चारों तरफ से पीकू करवाना है। ये आपने ये देखिए, ये पीकू, तो इस तरह से आपको पूरा पूरी साड़ी में पीको करवाना है, और बस आपकी हो गई साड़ी रेडी। दैट्स इट, मैंने बोला था ना बहुत इजी है। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है आपको, कि आपको ये जो जोड़ लगाना है और ये पीको करवाना है, तो इसके लिए आपको किसी हाईफाई बुटीक या टेलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी ऑल्ट्रेशन वाले के पास जाएंगे तो वो भी ये आपको काम करके दे देगा, और वो भी बिल्कुल सस्ते में। बस आपके फैब्रिक की कॉस्ट लगेगी, और इस साड़ी में हमें और कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही साड़ी बहुत ग्रेसफुल लगेगी, ठीक है? तो अब फैब्रिक की जो कॉस्ट है वो तो आप पर है कि आपको कितना महंगा या सस्ता फैब्रिक खरीदना है। मैंने ये दोनों फैब्रिक्स डिज़ाइन कार्ट वेबसाइट से परचेज किए हैं, और डिज़ाइन कार्ट पर आपको इस तरह के जो प्लीटेड फैब्रिक है और ये जो सैटन फैब्रिक है, तो इसकी आपको बहुत सारी वेराइटी मिल जाएगी, और क्वालिटी के हिसाब से इनकी कॉस्ट है। तो मैं डिज़ाइन कार्ट का आपको लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर आपको एक और लिंक मिलेगा जिसमें मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं डिज़ाइन कार्ट से, तो वो सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको वो वाले प्रोडक्ट्स लेने हैं तो आप उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, और आप कुछ भी परचेज करें डिज़ाइन कार्ट से तो मेरा डिस्काउंट कोड अमिता क्रिएशंस 10 यूज कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। एक और बात, इस सारे में हमें फॉल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सैटन फैब्रिक है ऑलरेडी थोड़ा सा भारी फैब्रिक है। फॉल लगाने की जरूरत हमें कब होती है साड़ी में, आपको पता है? तो चलिए, आप सबके लिए मेरा आज का सवाल यह है कि साड़ी में हमें फॉल कब लगाने की जरूरत पड़ती है और क्यों? जिसे पता है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और जिसे नहीं पता तो आप मुझे कमेंट्स में पूछिए, मैं आप लोगों को बताऊंगी।
चलो अब ये देखते हैं इस साड़ी को हम किस तरह के ब्लाउजेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बस आपको अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से डिसीजन लेना है। अगर आप स्लीवलेस पैटर्न में कंफर्टेबल हैं तो थिन स्ट्रैप स्टाइल या ऑफ शोल्डर पैटर्न या हॉल्टर नेक स्टाइल या बुस्टियर स्टाइल के ब्लाउजेस बहुत मॉडर्न एंड अट्रैक्टिव लुक देंगे, क्योंकि इस साड़ी का लुक भी मॉडर्न एंड ट्रेंडी है। ये ट्रेडिशनल टाइप की साड़ी नहीं है, पर अगर आप स्लीवलेस पैटर्न या फिर रिवीलिंग स्टाइल के ब्लाउजेस में कंफर्टेबल नहीं है तो आप बिल्कुल शॉर्ट स्लीव्स या फिर फुल लेंथ स्लीव्स बनवाइए ब्लाउज की, या रफल स्टाइल का ब्लाउज बनवा लो, ये भी बहुत अमेजिंग लगेंगे। अच्छा, कंफर्ट एंड रिवीलिंग नॉन रिवीलिंग से मुझे एक चीज ध्यान में आई कि मैंने ये जो ड्रेस पहनी है ये है बॉडीकॉन ड्रेस, और मैं आपको दिखाती हूँ ये ड्रेस कैसी है और इसको आप किस किस तरह से स्टाइल कर सकते हो अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से। तो एक क्विक सा हम स्टाइल एलिमेंट देखते हैं। सो गाइज, इस तरह की ड्रेस जो बॉडी फिट होती है उसे बॉडीकॉन ड्रेस बोलते हैं। अगर आप थिन स्ट्रैप स्टाइल में कंफर्टेबल हैं तो इस ड्रेस को आप ऐसे ही पहनिए, पर अगर आपको इतना रिवील नहीं करना देन यू कैन वेयर अ लिटिल ट्रांसपेरेंट श्रग, ये भी एक स्टाइल एलिमेंट ऐड कर रहा है। नेक्स्ट, अगर इस ड्रेस को आप कोई ऑफिशियल इवेंट पर पहनना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से सेमी फॉर्मल जैकेट पहन सकते हैं इस ड्रेस पर, बहुत स्मार्ट एंड क्लासी लुक देगा। नेक्स्ट, आपको रिवील नहीं करना तो ऐसा लॉन्ग श्रग पहनिए, बहुत कूल एंड स्टाइलिश लुक दे रहा है, और वेस्ट को हाईलाइट करने के लिए एक वेस्ट बेल्ट ऐड करिए तो ये लुक भी काफी स्टाइलिश लग रहा है एंड इज परफेक्ट फॉर लंच एंड ब्रंच डेट विद योर फ्रेंड्स। लास्ट, इसके ऊपर आप कोई फ्लेयर्ड स्कर्ट भी पहन सकते हैं, काफी कूल एंड कैजुअल लुक है एंड परफेक्ट फॉर समर्स। पता है, अगर आप ये साड़ी खुद बनवाते हो तो इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप अपने खुद के कलर्स की चॉइस कर सकते हो। जैसे आप इस साड़ी को अगर आपको दो कलर कॉम्बिनेशन में बनाना है, मतलब स्कर्ट वाला पोर्शन अलग कलर में और जो पल्लू वाला प्लीटेड फैब्रिक है वो अलग कलर में लेना है तो आप वो कर सकते हो, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड फिर उसके हिसाब से आप अपना कोई कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज बनवा लो। मुझे एक मॉडर्न ग्लैमरस पार्टी वेयर लुक क्रिएट करना है तो मैं इस सिल्वर सीक्वन ब्लाउज के साथ इसे स्टाइल कर रही हूँ, और एक और लुक मैंने सोचा है तो मैं इस साड़ी को एक प्लेन इस ब्लाउज के साथ स्टाइल करूंगी, ब्लैक कलर का। ये मेरा क्रेप का ब्लाउज है तो मैं इसके साथ इसको स्टाइल करने वाली हूँ। सो लेट्स सी दोनों लुक्स कैसे टर्न आउट होते हैं। अब इसके साथ मुझे ऑब्वियसली जो ज्वेलरी लूंगी मैं बिल्कुल मॉडर्न ज्वेलरी लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे एक पार्टी वेयर हाई फैशन एक लुक क्रिएट करना है। जब मॉडर्न स्टाइलिश लुक क्रिएट करना हो तो ज्वेलरी में स्टेटमेंट पीसेस सेलेक्ट करो और ट्रेडिशनल स्टाइल ज्वेलरी अवॉइड करो, एज वेल एज मिनिमलिस्टिक ही रखो। मैंने सिल्वर सीक्वेंट ब्लाउज के साथ स्टोन स्टडेड लॉन्ग इयररिंग्स पहने, स्टेटमेंट डायमोंटे रिंग्स एंड एक बिग डायल वॉच पहनी एंड डायमोंटे फुटवेयर्स। दैट्स इट। लेट मी नो कमेंट्स में कैसा लग रहा है ये ग्लैमरस पार्टी लुक, एंड आई गेस द रेड साड़ी इज द परफेक्ट चॉइस विच इज जस्ट मेकिंग इट लुक इवन मोर सेंसुअस। सेकेंड लुक को मॉडर्न क्लासी रखने के लिए मैंने बहुत कलर्स ऐड नहीं किए। ब्लाउज ब्लैक है तो एक्सेसरीज भी ब्लैक रखी, फुटवेयर डायमोंटे वाले ही हैं, आप चाहे तो ब्लैक पहन सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास भी ब्लैक थे बट शूट करते वक्त मैं चेंज करना भूल गई, कोई नहीं, होता है काम में। प्लीटेड फैब्रिक में फॉलिंग पल्लू ही अच्छा लगेगा, शोल्डर पर प्लीट्स बनाना मुश्किल होगा क्योंकि फैब्रिक फ्लफी है, बल्कि लुक आएगा शोल्डर पर। सो फ्रेंड्स, दोनों लुक्स कैसे लगे आपको? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेंसुअस लुक्स लगे। आप बताना मुझे कमेंट्स में आपको कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको आज का वीडियो अच्छा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा। सो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू टू माय चैनल। मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर करना। टिल देन बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट।